तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो युगांडा वुमेन्स कबड्डी लीग जो खेली जाएगी, आज से ही स्टार्ट हो रही है और आज शाम को 6 बजे पहला मैच खेला जाएगा। अब से लगभग लगभग 3 घंटे बाद मैच खेला जाना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जब भी आपको वीडियो मिलेगी, हो सकता है जब घंटे 2 ही बचे हो या 1 ही घंटा बचा हो, तो जब भी आपको वीडियो मिले वीडियो को एंड तक देखना है। अब भाई देखिए, ये जो मैच है ना वुमेन्स का, युगांडा वुमेन्स का, इन प्लेयर्स के बारे में नॉलेज है ना बहुत ही कम लोगों को है, बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को इस मैच की 100% नॉलेज है, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं 90% लोगों से ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ इस इन प्लेयर्स के बारे में। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये इस मैच में क्या परफॉर्मेंस देंगी या फिर ये इस मैच में क्या परफॉर्मेंस देंगी। मैं इतना बता सकता हूँ कि कौन सी प्लेयर आपके लिए डिफेंस में ज़्यादा अच्छी पिक रहेगी और कौन से ऑलराउंडर सेक्शन से आपको बेहतरीन प्लेयर दिखने वाली है और कौन सी रेडर आपके लिए सबसे ज्यादा पॉइंट ला सकती है। तो ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, बस ध्यान से आपको वीडियो को देख लेना। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए और ज्यादा मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियोज बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। अब चलिए भाई बात करते हैं मैच के बारे में, लेकिन उससे पहले भाई बात करेंगे कल रात को जो कबड्डी के मैचेज हुए थे। अल्ट्रा क्लीन स्वीप पे अल्ट्रा क्लीन स्वीप अल्ट्रा क्लीन स्वीप पे अल्ट्रा क्लीन स्वीप आपके भाई ने करवा के दी थी। यहां से आप देखिए, यहां से स्टार्ट हो जाइए और यहां से भाई मैं ये बोल रहा हूं, अगर मैं सारे स्क्रीनशॉट जो मतलब मैंने सिर्फ यहां पर शेयर किए थे ना, वो स्क्रीनशॉट भी अगर मैं सारे दिखाऊंगा ना, तो ये वीडियो 20 मिनट तक तो भाई इन स्क्रीनशॉट में ही चली जाएगी। ठीक है, बट मैं आपको कुछ ही स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, यहाँ तक के स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाए हैं। इसके आगे के स्क्रीनशॉट भाई अगर देखिए, मैं सारे ही स्क्रीनशॉट आपको दिखाने लग गया ना, तो सच में शाम हो जाएगी। और ये तो भाई सिर्फ 20-30% स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किए थे, बाकी जो आप लोगों ने प्यार भेजा, आप लोगों ने जो मैसेजेस भेजे, वो भी मैंने यहाँ पर कुछ तो शेयर किए थे, बाकी भाई एग्जैक्ट मेरे को याद भी नहीं है मैंने शेयर किए थे नहीं किए। ये देखिए आप जैसे लोगों के जो मतलब हमारे जेन्युइन यूजर्स हैं, उन्हीं के यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैसेजेस आए हुए हैं। और भाई यहाँ पर आप लोगों के जो भी मैसेज आते हैं, जैसे आपने यहाँ पर बोला थैंक यू सर, ये सारे भाई बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इस मैच से पहले मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी ना दोस्तों, वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर आ जाइएगा, क्योंकि भाई बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाँ, हो सकता है पॉसिबल हो, बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर बात करें दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7 की, तो यहाँ पर भाई पहले देख लेते हैं, तो जो वुमेन्स का मैच है जो खेला जाएगा कुंगू क्लब वुमेन वर्सेज इगलेट्स वुमेन्स के बीच में। अब आ जाते हैं भाई यहाँ पर टीम के ऊपर, मैं आपको टीम भी बना के दिखाऊंगा। पहले भाई यहाँ पर कुंगुरु क्लब वुमेन्स के मैच की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करें देबोरा नबातांजी, तो ये भाई आपके लिए बहुत ही शानदार प्लेयर रहेंगे। ठीक है, इनका डिफेंस बहुत सॉलिड है, लेकिन भाई एक चीज़ और बता दूँ, ये रेडिंग में भी उतनी ही कामयाब है जितना डिफेंस करके देंगे। ठीक है, तो आपके लिए एक ऑलराउंडर का काम करेंगी। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ भाई, जो कुंगुरु की टीम है ना, इनकी जितनी भी भाई यहाँ पर डिफेंडर हैं वो ऑलराउंडर ही है भाई, यहाँ पर ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये देबोरा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा अगर स्टार्टिंग 7 में मौका मिलता है जॉन कासुबू को, तो इन्हें भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। अभी पहला ही मैच है, तो स्टार्टिंग 7 हमारे पास नहीं है कि लास्ट मैच में क्या स्टार्टिंग 7 रही थी, तो ज्यादा कुछ अंदाजा हम नहीं लगा पाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन पर आ जाते हैं, यहाँ पर इन अकम्बा मेरे हिसाब से इनकी टीम में फिट बैठेगी और 101% खेलनी चाहिए। वहीं अगर बात करें यहाँ पर भाई, अगर बात करें एस्थर नालोस्वाता की, तो ये भी आपके लिए अच्छी प्लेयर रहेंगे। इवन भाई इतने कम सिलेक्शन वाली प्लेयर है ना, ग्रैंड लीग में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे जाती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बात करेंगे रेडिंग सेक्शन में, तो यहाँ पर भाई देखिए, जो सी क्वागाला है और जे आयुगी है, ये तो मेरे हिसाब से रेडिंग के तौर पर खेलती नजर आ सकती है, बट ज़्यादा आपके लिए कौन इफेक्टिव रहेगी भाई? देखिए जो जे आयुगी है ना, इनकी चपलता कुछ ज़्यादा अलग लेवल पर है, ये आपके लिए अच्छी ज़्यादा अच्छी पिक रहेंगी। ठीक है, और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अभी के लिए आप जी आयुगी के ऊपर ही थोड़ा ज्यादा फोकस रखिएगा। इसके अलावा जो मतलब 7th प्लेयर है टीम का, वो यहां से भाई एम नाबिकुंबा हो सकते हैं या फिर भाई यहां से जेड नासिली हो सकती है। ये 2 प्लेयर मेरे को लग रहे हैं कि जो आपको यहां पर अच्छा करती दिख सकती है। अब अगर भाई यहां से बात करें सामने वाली टीम की, इगलेट्स की टीम की, तो यहां पर देखिए एस नाजेम्बा आपके लिए इंपॉर्टेंट डिफेंडर रहेगी, प्लस एक बेहतरीन
ऑलराउंडर भी रहेगी, तो इनको आप कैप्टनसी के लिए सबसे बेस्ट तरीके से प्रीफर कर सकते हो। नीचे अगर बात करें आई नाबू केन्या की, तो इन्हें भी आप अपनी टीम में रख सकते हो। मैं ये तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि सीवीसी ही बना दीजिए, बट हाँ प्लेयर अच्छी है, परफॉर्मेंस दे भी सकती है सीवीसी के लेवल का। अब चलिए भाई यहाँ से बात कर लेते हैं, जो एन अडागिरे की बात करें तो ये भी आपके लिए अच्छी पिक रहेंगी। क्यों? क्योंकि भाई आपके लिए डिफेंस के साथ साथ कभी कभी क्या करते हैं, बेहतरीन भाई टच पॉइंट निकाल के लाती है, और टच पॉइंट जो खिलाड़ी लेती है वो बहुत शानदार होती है, ठीक है, या खिलाड़ी लेती है या फिर लेता है वो बहुत शानदार होती है या फिर होता है, ठीक है। तो आप इनको अपनी टीम में 101% ट्राई करने की सोच सकते हो। तीन डिफेंडर यहाँ से आपको दिख गए। इसके अलावा भाई यहाँ पर एच नानतेगे की बात करें तो ये आपको डिफेंस ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेगी, लेकिन मेन काम इनका डिफेंस करेगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ पर नाकी गुडे की, तो इन्हें भी आप ट्राई कर सकते हो। मेनली भाई इनका काम रेडिंग करेगा, बीच बीच में डिफेंस भी कर लेती है, बट जिस दिन दिन अच्छा होता है 6-7-8 टैकल किसी भी दिन निकाल कर लेके जा सकते हैं अकेले दम पे। तो यहाँ से अगर बात करें तो आपके लिए जो स्टार्टिंग 7 रहेगी उसमें भाई यहाँ पर ई नबेवेट में आपको खेलती दिखेंगी। इसके अलावा जो प्लेयर खेलती दिखेगी वो रहेगी भाई एम एवीमिको, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी डिफरेंशियल पिक रहेगी। अगर खेलती है तो आप इन्हें अपने टीम में ग्रैंडलिक की एक आध टीम में जरूर कैप्टन दीजिएगा, इवन चाहे स्मॉल लीग में कैप्टनसी दीजिएगा या फिर ना दीजिएगा। अब चलिए भाई मैं आपको दोनों टीम्स के प्लेयर निकाल लेता हूँ और यहाँ से मैं टीम बना के दिखा देता हूँ मेरी क्या टीम रहेगी। यहाँ पर भाई एस नजेम्बा को अपनी टीम में रखूंगा, डीन आबातांजी को अपनी टीम में रखूंगा। इसके अलावा भाई यहाँ पर नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए जो आपके लिए आई नाबू के नहीं, इनको आप अपनी टीम में रख सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाते हैं भाई, यहाँ पर अगर बात करें तो ई नाकाम्या को मैं अपनी टीम में रखूंगा, नीचे अगर बात करें तो एन नंतेगे को मैं अपनी टीम में रखूंगा, या फिर अगर यहाँ से भाई नानसांबा खेलती है तो आपके लिए बहुत शानदार प्लेयर रहेगी, आप उसे भी अपनी टीम में रख सकते हो। यहाँ से अगर बात करें तो देखिए जो हमारी टीम में रहेगी वो रहेगी ई नाबे केटा, और यहाँ से भाई नीचे अगर आप चलोगे तो यहाँ पर भाई एम अविको को मैं अभी के लिए अपनी टीम में ले रहा हूँ, ठीक है। तो टीम का प्रिव्यू वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। सीबीसी की बात कर लेते हैं तो नो डाउट भाई कैप्टनसी जो है ना वो मेरी यहाँ से जाने वाली है अभी के लिए ई नाकाम्या को। वीसी की अगर बात करें तो भाई वीसी यहाँ से थोड़ा सा मैं डिफरेंशियल जाऊंगा एन नजेम्बा के साथ, बाकी हाँ अगर आपको सेफ जाना है तो भाई यहाँ पर एन नंटेगे के साथ जा सकते हो, या फिर भाई आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। किसको? आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो भाई एन नाकीगुडा को, जो कि आपके लिए ऑलराउंडर सेक्शन में एक बहुत बड़ा अच्छा वीसी रहेगा, डिफरेंशियल वीसी, ठीक है। बट अभी के लिए मेरी टीम सेफ वीसी रहेगा, डिफरेंशियल वीसी भाई यहाँ पर एस नजेम्बा हमारी टीम में रहेंगे, और अभी के लिए मैं इन्हीं को अपनी टीम का वीसी करके जा रहा हूँ। टीम के अगर प्रीव्यू की बात करेंगे तो वो भी मैं आपको यहाँ से अभी करके दिखाता हूँ। तो टीम के प्रीव्यू में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट फाइनल टीम है, कुछ भी अगर चेंजमेंट होता है इस टीम में तो डायरेक्ट 101% इन्फॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।